जैसे उबेद खान की मैं बात कर रहा हूँ, ही इज नेचुरल। ओके अभी का पता नहीं, वो मैं सबसे तो ये बोलूंगा कि अगर आपको खेलना है तो उसी शोज में जाए, गिने चुने। Hey everyone, this is Deepak Chobisa, your health and fitness coach. And guys, आज मैं लाया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज जिसका नाम मैंने रखा है द इंटरव्यू सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे उदयपुर राजस्थान से बहुत से एथलीट से, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके मोटिवेशन के बारे में जानेंगे और बात करेंगे बहुत से फिटनेस के टॉपिक्स के बारे में। सो गाइज, ये है हमारी फिटनेस सीरीज का पहला एपिसोड जिसमें हमारे गेस्ट है मिस्टर युनीत दास। हेलो, हाय गाइज, दिस इज युनीत दास हियर एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान एंड आई हैव वॉन टू टाइटल्स, मेनली थ्री टाइटल्स, मिस्टर उदयपुर टू टाइम्स एंड मिस्टर मेवाड़ फर्स्ट in 2021 only. So first of all, I want to thank you to Mr. Vinit Das के आप मेरे साथ जुड़े कोलैब के लिए, क्योंकि मेरा YouTube चैनल बहुत छोटा चैनल है, so generally बड़े बड़े जो एथलीट्स होते हैं वो इस तरीके के कोलैब के लिए एग्री नहीं करते, so brother most thank you. And मैं भैया के बारे में आपको थोड़ी सी चीज बताता हूँ कि भैया एक यंग एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, एथलीट है एंड सबसे बड़ी बात वो एक नेचुरल एथलीट है। अपने उदयपुर को नेचुरली रिप्रेजेंट करते हैं सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में और बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी है। सो हम भैया से बात करेंगे एज अ फिटनेस फ्रीक, एज ए नेचुरल एथलीट, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा उनकी जर्नी में। प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं एक्चुअली, मेरे को जस्ट अपने आप को टाइम देना पड़ा कि कैसे अपने फिजिक को रेडी करूं और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखूं। और मेनली इसमें मैंने ये देखा है अपनी पूरी जर्नी में कि डाइट का मेन रोल है। और बट अपने आप को फिट रखने के लिए ये सब चीजें ठीक है, बट स्टेज पे जब मैं चढ़ा तब मुझे पता पड़ा कि यू कांट कम्पीट नेचुरली इन फ्रंट ऑफ अदर्स हु आर एनहेंस्ड। सो मैंने उस टाइम सोचा कि मैं अपने आप को और टाइम दूं और टाइम दूं। इट हैज बीन अराउंड 8 इयर्स फॉर मी इन दिस जर्नी एंड जब भी मैं स्टेज पे चढ़ता हूं, अभी रिसेंटली भी मैं जयपुर में जब खेल के आया तब मैंने ये चीज देखी कि सब मुझे बोलते थे आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, आप उतरो आप उतरो आप उतरो। मैं उतरता हूँ, जब भी उदयपुर लेवल ठीक है, आप मेवाड़ लेवल तक भी ठीक है, आई कैन कम्पीट, राजस्थान लेवल में भी आई कैन कम्पीट, बट अभी जब ऑल ओवर इंडिया से एथलीट्स आए थे यहाँ पे भी, तब भी मैंने ये देखा कि दे आर एनहेंस्ड, बहुत ज्यादा एनहेंस्ड। तो मैं अपने आप को मतलब ऐसा देख रहा था कि मैं आया ही क्यों, आई हैव जस्ट वेस्टेड माय मनी इन दैट। मींस बेसिकली अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एथलीट, तो तब तक के लिए आपको ऐसे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर जैसे आप डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाते हैं तो वहां पे इनहेंस लोग की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इनहेंस लोग ही होते हैं वहां मोस्टली 100% ऐसा बहुत, मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसे कि कोई आया होगा नेचुरली खेलने और उनका नंबर लगा होगा, जो भी अगर नेचुरल होंगे भी तो उनका कभी नंबर भी लगा होगा। बट आई ट्राई माई बेस्ट, फिर भी मैं टॉप 10 में आता हूँ, टॉप 5 में आता हूँ, बट वो भी काफी नहीं है ना कि आप एक तरीके से आप टॉप 5 में भी आके क्या करोगे, जब तक आपको टाइटल नहीं होल्ड करो आप, तो खेलने का मतलब क्या है। दूसरी चीज ये कि अभी एक्चुअली चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे लोग नेचुरली अब बाहर आ रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को ये पता पड़ रहा है कि आप नेचुरली भी कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स हैं ऐसे जो मुझसे भी जुड़े हैं, उन्होंने सपोर्ट भी किया था। बीच में ऐसा बहुत कुछ हुआ था जब मैं मसल मीनिया खेलने गया था जी, तब भी यही हुआ था कि उन्होंने ये एक टाइटल रखते हैं वो कि दिस इज अ नेचुरल शो फॉर नेचुरल एथलीट्स, ओके डोप टेस्ट होगा ये होगा, बट एक्चुअली वहां कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और दूसरी चीज ये अभी एक कंपटीशन और है HSF करके, जो नेचुरली एथलीट्स को, हाँ जीत सलाल सर का, उन्होंने भी ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है नेचुरल एथलीट्स के लिए, बट फिर भी जो भी जितने भी एनहेंस्ड है वो हर जगह पहुंचते ही हैं, उनको तो बस खेलना है एक तरीके से, उनका भी देखें तो सही है, बट आप अगर यंगस्टर्स की तरफ देखें तो ये आप गलत मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि आजकल क्या है कि आप जब तक अपने आप को टाइम नहीं दोगे, उसको समझोगे नहीं, तब तक आप अपने बॉडी के साथ खेल रहे हो,
क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को मैंने देखा है कि उनको विद इन 6 मंथ्स विद इन 5 मंथ्स दे वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म देम, तो वो चीज़ें बहुत गलत है, ये चीज़ें दिमाग से हटाई देनी चाहिए। मुझसे भी अगर कोई पूछता है कि मुझे 2 महीने में फोटो शूट करवाना है या ये करवाना है तो पेपर थिन स्किन चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल कि मतलब आप 2 मंथ्स में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, या मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि आप 1 ईयर में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। इयर्स ऑफ ट्रेनिंग का रिजल्ट है वो, इयर्स ऑफ ट्रेनिंग का, आपकी कंसिस्टेंसी का, आपके मोटिवेशन का, आपके मतलब हर चीज को आपको देखना पड़ेगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा एक तरीके से, एक लाइफ स्टाइल है। और आप सिर्फ कॉम्पिटिशन के तरीके से ही नहीं, आप अपने आप को एक मतलब अलग प्लेटफॉर्म में ले जा रहे हो, आप जो काम भी करते हो उसमें भी आप मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि ये फिटनेस सिर्फ एक तरीके से आप जिम जा रहे हो वो फिटनेस नहीं है, फिटनेस आपकी एक लाइफ स्टाइल हो गई है, आप चेंज कर रहे हो सब कुछ। आजकल यंगस्टर यही है कि जिम जा रहे हैं 2 घंटा जाके वर्कआउट भी नहीं करते, ओनली सेल्फी लेते हैं कोई भी वर्कआउट करते हुए, और देन वो एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट इस तरीके के कि उनको 6 मंथ में इतनी मतलब इतना बाइसेप हो जाए, इतने चेप्स आ जाए। और बहुत जने ये भी देखा है मैंने, मैं बहुत सारे जिम्स गया हूँ ऑल ओवर इंडिया में, जब भी ट्रेवल करता हूँ अपने वर्क के रिलेटेड, मैं जिम कभी नहीं छोड़ता, वहां भी मैं जिम करता हूँ, तो नेक्स्ट उस पे आने वाले तो वहां भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मेरे को आके बहुत तारीफ करते हैं, तब वो पूछते हैं कि मेरे को 2 महीने में बनाना है, मेरे को ये करना है, मैं डेली जिम आ रहा हूँ, मेरे को किसी को 1 साल हो गए हैं, किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो गए, बट जब मैं उनसे डाइट का पूछता हूँ आप क्या खाते हो, तो वो बोलते हैं कि नॉर्मल खाना खाता हूँ। मैं बोला कि आप कैलोरीज कितनी, अब ये सब चीजें एक मेजरमेंट रहती है, आप एक बार मेजर कर लोगे तो आपको बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में रह जाएगा कि हाँ मेरे को इतना खाना है तो इतना पता पड़ेगा मुझे। आप ऐसा नहीं कि आप कैलोरीज लोड करे जा रहे हो, भले ही आप गुड कैलोरीज लोड कर रहे हो लेकिन फिर भी आप कैलोरीज तो एक्सेसिव लोड कर रहे हो ना, तो उससे आप वर्कआउट भी अगर आपका उतना भी नहीं, आप 500 कैलोरी बर्न कर रहे हो और आप 1000 कैलोरी ऊपर खा रहे हो। मैं इस पे आपका एक इसी पे एक क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें डाइट वर्सेस वर्कआउट की, तो जनरली लोग कहते हैं कि वो वर्कआउट को ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, डाइट पे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, तो इस पे आपका आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मेरा मानना ये है कि वर्कआउट को मैं तो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देना चाहता। ओके क्योंकि मैंने जितना अपने आपके बॉडी के साथ खेला है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आई हैव प्लेड अ गेम विद माय फिजिक, मैं जब भी बाहर जाता हूँ कभी कभार वर्कआउट मिस होता है। आप डेली लाइफ, अगर आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, सीधी सी बात, अगर आप कोई एथलीट हो तो बात अलग है, उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं कोई बड़ा एथलीट नहीं हूँ, आई जस्ट प्लेड इन सिंगल लेवल। तो अभी ऐसा है कि अगर आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो आप लाइफस्टाइल के हिसाब से आप डेली वर्कआउट, जरूरी नहीं कि आप डेली वर्क, कभी कभार छूट भी सकता है, सप्ताह भर छूट सकता है, 15 दिन छूट सकता है, महीना आप घूमने जाओगे तो आप कहीं वहां वर्कआउट करोगे क्या? मींस आप अपनी डाइट को रेगुलर रख सकते हैं बट वर्कआउट को रेगुलर नहीं रख सकते। हमें लाइफस्टाइल मेंटेन करने का मतलब ये है कि हमको ऐसा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है कि आपको फिजिक भी मेंटेन करनी है, आपको अपना इनर स्ट्रेंथ भी मेंटेन करना है, लेकिन डेली डे टू डे लाइफ के रूटीन के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना है। तो मैं ये मानता हूँ कि डाइट को मैं 70-80 के रेशियो में देना चाहता हूँ 100 में से, और मींस 80 डाइट 20 आपका वर्कआउट एंड ऑल बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि डाइट इज द मेन की। ओके क्योंकि आपने अगर डाइट प्रॉपरली कर लिया तो फिर उसके बाद तो कोई नहीं रोक सकता। एंड ब्रदर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया आप नेचुरल एथलीट हैं, एंड मैं भी आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, मुझे भी अच्छे से पता है आप नेचुरल एथलीट हैं, बट एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की, एज अ नेचुरल एथलीट आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है, लाइक बहुत से आपको लोग बोलते हैं कि आप इनहेंस्ड ही हो, वो कभी इस चीज़ को 100% मानते नहीं या उस पर रिलाई नहीं करते कि आप नेचुरल नहीं हो। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एथलीट एंड इनहेंस्ड एथलीट? देखिए नेचुरल एथलीट का एक सिंपल सा ये है कि नेचुरल एथलीट अपने आप को साल भर मेंटेन कर सकता है। ओके विद डाइट, तो गाइस ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरी चीज, एनहेंस्ड एथलीट अपने आप को साल भर मेंटेन कर सकता है विद एनहेंसिंग आइटम्स एंड एनहेंसिंग रॉइड्स एंड ऑल, उसके अलावा वो मेंटेन नहीं कर सकता और वो साल भर नहीं ले सकता क्योंकि उसको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। मैं ये नहीं, मैं खुद 3 साल तक अंडर 10% बॉडी फैट पे रहूं,
नेचुरली, और उसके बाद भी मेरे को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं। उसमें भी ये चीजें हुई है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि मुझे आर्थराइटिस वगैरह का भी फेस करना पड़ा है, और मेरी मदर को भी है, बट फिर भी मुझे फेस करना पड़ा उस चीज को। मीन्स जेनेटिक है जेनेटिकली, बट वो आ गया क्योंकि अंडर 10% बॉडी फैट एक नॉर्मल लेवल पे आप नहीं जा सकते। ओके, तो फिर भी लोग मुझे बोलते थे कि आप एनहेंस्ड हो। एक सिंपल सा की है, अगर आप एनहेंस्ड हो गए तो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा। इंटरनल ऑर्गन्स अगर आपके एकदम डैमेज होने लग जाते तब वो स्किन पे दिखता है। आपने कभी भी अगर रॉइड्स वालों को देखा है तो उनकी कभी क्लियर स्किन नहीं रहती है, मेनली इन बैक। मीन्स बहुत सारे पिंपल्स एंड रैशेस वगैरह उनकी स्किन पे होते हैं, क्लियर स्किन कभी नहीं रहती है। और जिनकी क्लियर स्किन रहती है वो एनहेंस्ड हो ही नहीं सकते, चाहे वो इंडियन एथलीट्स हो या आउट ऑफ इंडिया के एथलीट्स हो, क्योंकि बहुत जने बोलते हैं कि आउट ऑफ इंडिया के एथलीट्स में क्लियर स्किन नहीं रहती है। मतलब क्लियर स्किन रहती है अपने इंडियन एथलीट्स में, उनके हिसाब से वो क्लियर नहीं रहती, उनकी क्लियर दिखती इसलिए क्योंकि उनके बहुत कम वो लोग एक्चुअली बहुत कम डोजेस से चालू करते हैं। वो लोग मतलब अब्यूज नहीं करते, अपने इंडियन एथलीट्स दे अब्यूज अ लॉट। ओके, कॉम्पिटिशन के चक्कर में दे अब्यूज अ लॉट। वो लोग एक सीरीज में चलते हैं, बट उनके कभी भी ऐसा नहीं है कि उनके रैशेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, है उनके भी, अगर आप क्लियरली देखो तो है उनके भी। मींस वो प्रॉपर मेडिकेशन गाइडेंस, मेडिकेशन गाइडेंस के प्रॉपरली चलते हैं वो लोग। अपने इंडियन एथलीट्स को अगर दे दिया, अपने आजकल के वैसे भी यंगस्टर्स तो ऐसे ही होता है ना कि कहीं जिम जा रहे हैं गाइस। जैसे मैंने एक चीज मैं और नोट कर रहा हूँ जो अभी लाइफ में, तो मैं उनसे भैया से यही पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने देखा आजकल कॉलेज में बहुत से फ्रेशर पार्टी एंड फेयरवेल पार्टी होती है, सो वो गाइज सिर्फ 2 महीने में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और बहुत सारे ट्रेनर उनको उस पीक टाइम के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनको बहुत से स्टेरॉइड्स देते हैं, तो उनसे उनको बहुत ज्यादा बेडली इफेक्ट करता है उनकी बॉडी पे। बट वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम नेचुरल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो नेचुरल ट्रांसफॉर्म करना मेरे हिसाब से पॉसिबल है, तो इस पे आप नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और मैंने बहुत सारे एथलीट्स, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप अगर नेचुरल एथलीट्स की तरफ देखेंगे, आप जाएंगे उनको देखेंगे, तो वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि सच में उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया हुआ था। आप नेचुरली अचीव कर सकते हैं। मैं खुद नेचुरल होने के बावजूद मैं सप्लीमेंटेशन पे बहुत कम डिपेंड रहता हूँ। यस, मेरे को अगर कोई पूछता है कि आपका मंथली बजट कितना है, तो वो लोग हैरान रह जाते हैं कि मेरा मंथली बजट इतना है। तो आप अराउंड बता सकते हैं कितना? मेरा मंथली बजट है, सिर्फ सप्लीमेंटेशंस का बोल रहा हूँ, 3000 इंक्लूडिंग वे प्रोटीन मंथली बजट। और अगर मैं कॉम्पिटिशंस में हूँ तो वो 3 से 4 या 5 हो जाएगा। सिर्फ प्रोटीन का खर्चा ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ डोजेज ऑफ प्रोटीन। मैं कितने स्कूप्स लेता हूँ उसमें, 3 स्कूप्स लेता हूँ, 2 स्कूप्स, क्योंकि मेरे को प्रोटीन कंटेंट चाहिए होता है क्योंकि मैं ट्रेवल भी करता हूँ। तो आप कॉम्पिटिशन के टाइम अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे को फूड से प्रोटीन सोर्स पूरा नहीं हो पाता, तो मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ता है मुझे, तो उस वजह से मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन। अदरवाइज मेरा मैक्सिमम 5000 यू कैन से दैट, उसके अलावा इतना नहीं जाता। बाकी डाइट जो है मेरा, वो डाइट मैं प्रॉपरली फॉलो करता हूँ एंड घर का खाना ही खाता हूँ। सो ब्रो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हु इज योर फेवरेट एथलीट इन इंडिया एंड हु गिव्स यू मोटिवेशन? इंडिया में फेवरेट एथलीट तो मेरा कोई भी नहीं है, बट अगर देखा जाए तो देखा जाए एज अ फिजिक वाइज, मुझे इनकी क्या बोलते हैं, भरत सिंह वाले जी की फिजिक अच्छी लगती है, काफी अच्छी है। मतलब अगर आप कंपेयर करें आउट ऑफ इंडियन एथलीट्स से, तो उनकी फिजिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, ब्रॉडनेस के साथ, लीननेस के साथ, सब कुछ उनके फिजिक में है। मतलब एक क्लासिक फिजिक, सबसे बेस्ट फिजिक मेरे हिसाब से क्लासिक फिजिक इज द बेस्ट फिजिक, तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और बस वही है, इंडियन एथलीट में तो एक वही है, बाकी सब तो मतलब एनहेंस्ड ऐसे हो रखे हैं, तो मुझे, मैं जाता हूँ कॉम्पिटिशन में तो मैं उनकी फेसेस देखता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ ये लाइक डेड फेसेस। हाँ, तो वो चीजें बहुत मुझे वो करती। बाकी बाहर के एथलीट्स की अगर आप बात करें तो बहुत सारे एथलीट्स हैं, जैसे अभी क्रिस बम्स्टेड है और दूसरे हैं एंड्री ड्यू करके हैं, मुझे उनका नाम थोड़ा गलत हो गया होगा, बट वो हैं। और बस ये मेन एथलीट्स हैं, इनकी फिजिक मुझे काफी अच्छी लगती है। ब्रो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री इन इंडिया?
अब देखिए ये तो इंडियन एथलीट्स का नहीं बोलूंगा, ये जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवा रहे हैं अब उनके ऊपर है कि वो इंडियन एथलीट्स को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली अपने इंडिया की बात नहीं करूंगा, काफी स्पोर्ट्स में ये बहुत खराब होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि मतलब मोटिवेट करने की जगह आपको ले जाने की जगह ये लोग अर्निंग्स पे ज्यादा ये तो चीज मैं प्रॉफिट अभी पे बोल ज्यादा वो नहीं लोग रहा डिपेंड रहता है, तो वो सिर्फ एक एडवर्टाइज करते हैं आपको, मतलब एक अभी सीरीज चल गया है जो जो मतलब जिनके जो जो फेमस है एथलीट्स उनको आप उनके पीछे पड़ो ताकि उनको फेस बना सके, आपका कंपटीशन बेटर चल सके, ये अब चल गया है। वो अभी ज्यादातर YouTube इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहे हैं मींस इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं वो लोग, इन्फ्लुएंसर्स ही हैं तो बेस्ट हैं, और इन्फ्लुएंसर्स को वो पकड़ के चलते हैं तो बेचारे दूसरे एथलीट जो खेलने आते हैं जो एक्चुअली में कंपेटिबल है उस चीज के लिए, वो लोग बहुत डर जाते हैं, वहां जाके डर जाते हैं कि यार ये आ रहे हैं ये आ रहे हैं ये आ रहे हैं। अगर कोई एथलीट है और उसको आप एक इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करते हैं तो इन्फ्लुएंसर की बात करें तो उसके पास बहुत कॉन्फिडेंस होता है स्टेज पे बोलने का, बट अगर एथलीट की बात करें तो उसके पास किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होता। ही हैव एक्सपीरियंस ओनली ऑन हिज फिजिक, हाउ टू एक्सप्रेस हिज फिजिक, बट ही डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिज एक्सप्रेशन एंड हिज गेस्चर, हाउ टू कम्युनिकेट द पर्सन। सो उसमें वो कहीं ना कहीं मात खाते हैं। वो मात खाते हैं एक्चुअली, वो घबरा जाते हैं जब भी स्टेज पे चढ़ने की बात आती है, उससे पहले पहले वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि उनकी फिजिक इज द बेस्ट फिजिक, अब स्टेज पे चढ़ने के बाद जब वो देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं तो वो ये देख वो वही घबरा जाते हैं कि वो अपना जो उनका रूटीन है वो भूल जाते हैं कि मतलब वो उनका कैसा टर्निंग रूटीन और ये सब कैसे करना है, उनको पोजिंग कैसे करनी है ये सब भूल जाते हैं, वो वहां वो लोग थोड़ा सा मात खा जाते हैं। अदरवाइज आप अगर अगर इंडिया की बात करें तो आप लोगों को इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के आप लोगों को एथलीट्स को बढ़ावा देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, और हाँ ठीक है यू आर अर्निंग, नो वे यू आर अर्निंग, आप अगर इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा नहीं भी दोगे तो भी अर्न करोगे, हाँ थोड़ा कम प्रॉफिट रखोगे लेकिन अर्न तो करोगे आप, तो यही चीजें हैं, आप अगर इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के सारे एथलीट्स को अगर कॉमन रखोगे बराबर रखोगे तो फिर कहीं आप नहीं जाना। अभी भी जैसे JFF में गए तो एक जो मिस्टर राजस्थान जीता था फैजल खान करके वो आया था खेलने, उसको एक अलग ही लेवल देख के उन्होंने उसको खड़ा किया गया, उसको एक स्पेशल गेस्ट की तरह बुलाया गया, और वो जबकि खेलने आया था ही वाज कम्पीटिंग विद मी ऑन द स्टेज, उसको अलग से उसका एक पोस्ट डाला गया कि ही इज मीन्स अलग कमिंग से उसको गेस्ट ऑफ ऑनर मीट एंड दिया ग्रीट हिम इन दिस गया। इन JFF, और दूसरे और भी थे कुछ उनको भी अलग से दिया गया कि मीट एंड ग्रीट, जबकि वो एक नॉर्मल एथलीट है खेलने आए हैं, हाँ दे हैव मैनी फॉलोअर्स दे हैव मैनी पर्सन्स बिसाइड देम, तो आपको वो सब छोड़ के आपको अगर कॉमन सब लोगों को आप एनकरेज करें तो वो एथलीट्स को एनकरेज करें तो वो ज्यादा बेटर है, तो मीन्स कहीं ना कहीं पैसा मैटर पैसा करता मैटर करता है, इन्फ्लुएंस मैटर करता है, वो वही चीजें आजकल कॉमन हो गई है। एक आपने सुना होगा अभी बीच में एक ओबेद खान करके नाम जी सुना जी होगा, जी या तो एक होता है कि आपकी रियलिटी में जो फिजिक होती है और आजकल आप अगर सोशल मीडिया पे फोटोशॉप वेस्ट फोटोशॉप आप अगर करते हैं तो एक आपके सोशल मीडिया पे आप किसी की फिजिक देखते हैं तो उसमें काफी वो लोग डिफरेंस एडिटेड होता एडिट करके या फिर लाइटनिंग की वजह से अलग फिजिक है। दिखती है और एक सामने एक फिजिक अलग दिखती है, तो वो चीजें बहुत डिफर करती है। जैसे उबेद खान की मैं बात कर रहा हूँ, ही इज नेचुरल, अभी का पता नहीं मुझे, जब मैं गया था खेलने तब ही वॉज नेचुरल, एंड उसको फिफ्थ पोजिशन फोर्थ पोजिशन सेकेंड पोजिशन लेके सीनियर में भी आप लोगों ने जो मेन अच्छे खासे एथलीट्स आए थे जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने आपके शो का एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट किया, आया पहले एक VIP मीन्स उसको इसको भी एक बॉलीवुड अवार्ड शो की तरह बना दिया है कि अगर आप उस बॉलीवुड शो में जाके परफॉर्म करते हैं तो आपको बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया जाता है या अवार्ड दिया जाता और आपने उसको जब फिफ्थ प्राइज भी दिया तो आप उसका सर चूम के जा रहे हैं कि जैसे जैसे ही इज योर ब्रदर, मतलब बहुत दूर का भाई आया हो, उसको मतलब प्राइज दिया हो, बहुत मेहनत की हो उसने, देखो और मेहनत तो सब करते हैं पर वो उनका चाम जो इन्फ्लुएंस है वो बोलता हाँ वो चीजें काफी गलत है। वहां मेरे को ऐसा लगा कि जो खेलने आए थे जूनियर्स में भी नॉट ओनली इन सीनियर्स, वो दोनों कंपटीशन खेला था जूनियर एंड सीनियर बोथ,
अब जूनियर में भी उससे काफी अच्छे दो एथलीट्स मैंने देखे थे जो आए थे खेलने, अब वो कुछ नहीं बोल सकते थे वहां पे, तो वो कुछ बोले ही नहीं बेचारे, अब वो चले गए जबकि उनको पता था कि दे वर द बेस्ट। ठीक है, सब मेहनत सब करके आते हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, बट एक VIP ट्रीटमेंट आप दे रहे हो किसी पर्सन को तो बहुत गलत है। हाँ, आप अलग से आप वो करो ना, VIP ट्रीटमेंट दो, अलग से पार्टीज दो उनके साथ, करो पार्टीज, करो आफ्टर पार्टी कर सकते हो यार। आप ऑन द स्टेज ऐसे ऐसी चीजें अगर सामने आती है, आप उसका माथा चूम के जा रहे हो कि या यू हैव डन द बेस्ट, यू आर बेस्ट, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाकी जो जिसको आपने ऐसे नॉर्मल प्राइस दे दिया बस खत्म, ठीक है, ओके, मतलब उसको दूर से ही खुश कर दिया आपने, और इन्फ्लुएंसर को आपने इतना ऊपर चढ़ा दिया कि उसके चक्कर में जो सच में एथलीट हैं जिनके पास कोई बैकअप नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो लोग एक्चुअली फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि हम अगली बार खेलने जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि हम अपना पैसा बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये काफी एक कॉस्टली स्पोर्ट है, सबको पता है, सब बहुत मेहनत करके, बहुत जने मिडिल क्लास फैमिली से, पुअर फैमिली से भी कोशिश करते हैं आने की, तो वो यहीं पे मात खा जाते हैं। वो देखते हैं हम अगर पैसा कर रहे तो उसका रिटर्न तो मिले, हम खर्च कर रहे उसका रिटर्न तो मिले, लेकिन ये लोग बढ़ने ही नहीं देते, फिर रिटर्न मिलेगा कहाँ से। लेकिन कुछ शोज ऐसे हैं जो एक्चुअली में देते हैं उनको रिटर्न, जो ऐसे ट्रीट नहीं करते। तो मैं सबसे तो ये बोलूंगा कि अगर आपको खेलना है तो उसी शोज में जाएं, गिने चुने शोज में जाएं, ऐसा नहीं कि आप सारे शोज खेल रहे हैं, मेनली जो स्टेट लेवल के ये होते हैं इनमें आप खेलने जाएं, आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। गवर्नमेंट लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं आप उसमें खेलने जाएं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है। अदरवाइज यहाँ तो क्या बहुत आजकल ये नॉर्मल हो गया है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत नॉर्मल हो गया कि आप इन्फ्लुएंसर है तो आपको सबसे पहले खड़ा कर दिया जाएगा। एंड ब्रो, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन तो नहीं मींस ये मेरे अपने लिए भी मैं पूछना चाहता हूँ और मेरे फ्रेंड्स लोगों के लिए भी, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी एथलीट है, इट डजेंट मैटर कि आप बॉडी बिल्डिंग ही खेल रहे हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो सकते हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, तो सबको कभी ना कभी एक टाइम पे इंजरीज को फेस करना पड़ता है, किसी भी इंजरीज के थ्रू वो जाते हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे फीमर फ्रैक्चर था, तो मैंने सुना आपके साथ भी बहुत सी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी और आपने भी तकरीबन 1 ईयर के अराउंड आपने ब्रेक लिया था। तो आफ्टर ब्रेक अगर आप वापस रिटर्न टू स्पोर्ट करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, आप एक बार जर्नी कर चुके हैं अपनी पूरी, उसके बाद आपको अगर कोई इंजरी होती है या फिर आपको कोई ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है, तो आई थिंक इंजरी के टाइम पे बहुत जने ऐसा सोचते हैं कि मैं इंजरी हुई है, मैं मेरे को अगर 6 महीने का बेड रेस्ट बोला है तो मैं 6 महीने नहीं करूंगा बेड रेस्ट, मैं 1 महीने करूंगा, मेरे को वापस आना है। आप लोग ऑनलाइन मोटिवेशनल वीडियोस देख के वो हो जाते हो, एकदम मोटिवेट, अच्छी चीज है, मोटिवेट हो जाते हो, बहुत अच्छी चीज है, बट आपको बॉडी को जितना रेस्ट देना चाहिए उतना देना है। ये चीज मैं सबके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज सहा है। जब मेरे को ब्लड क्लॉट हुआ था ब्रेन में, तब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तब मेरे को 6 मंथ्स का बेड रेस्ट बोला था, तब मैंने गलती की थी एक्चुअली। मैं भी ऐसे ही सेम कि नहीं, मैं 1 महीना हो गया, अब मैं बेड पे नहीं बैठ सकता, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं, मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं वो चीजें ठीक है। लेकिन जब मैं वापस ज्वाइन किया, वर्कआउट करना चालू किया धीरे धीरे, फिर मैंने देखा कि मेरे को कॉम्प्लिकेशन होती जा रही है, मैंने फिर रेस्ट दिया अपने आप को, और मैंने ये देखा ये चीज कि मैं अपने आप को रेस्ट दिया, ये मैंने अच्छी चीज की, रेस्ट दे के अच्छी चीज की। बीच में मैंने गलती करती थी कि उठ के मैं वापस वर्कआउट करने लग गया था, दैट वॉज रॉन्ग। आपको जितना बॉडी को रेस्ट देना चाहिए उतना देना ही चाहिए। आई थिंक उससे अगर आपको 6 महीने बोला है तो आपको 6.5 महीने दे दो ऑब्वियसली, क्योंकि आप वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी एक अडेप्ट हो चुकी है, आप एक लेवल पे जा चुके थे, अब वहां से वापस आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है, कि एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है, आपको मिड से स्टार्ट करना पड़ेगा वापस, क्योंकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी वो चीजें गेन कर चुकी है, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, क्योंकि आपकी बॉडी के सेंसेस अपने आप काम करते हैं, आपके ब्रेन के हिसाब से काम करते हैं। तो आपकी बॉडी भी जैसे आप कुछ रिवाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपका ब्रेन उस चीज को अडेप्ट करता है, एक तरीके से स्टोर करके रखता है, जब भी आप उसको वापस रिवाइज करते हैं तो आपको मेमोरी में वापस आता है। अगर किसी छठी क्लास वाले बंदे को आप छठी क्लास पास करवा के, कोई टॉपर है जो भी है, उसको वापस छठी क्लास पढ़वाएंगे तो वो इजीली पढ़ लेगा, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो वही चीजें हैं, भले ही वो उसको 10 साल हो गए हो, नहीं पढ़ा उसने, लेकिन फिर भी वो एक बार देखेगा किताब तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि मुझे कैसे, और एक्चुअली एक्सपीरियंस हो जाएगा ना,
कि मुझे कैसे उसको वापस, हमें रेस्ट ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है, ना कि आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया है, किसी ने बोल दिया नहीं तू तो सब कर सकता है। आपको किसी की बात नहीं सुननी है एक्चुअली, आपका सबसे मेन ट्रेनर आप खुद हो, आपकी बॉडी को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, तो आपको अपने हिसाब से चलना है कि मुझे क्या करना है, लेकिन उसमें गलत डिसीजन नहीं लेना है कि मेरे को बॉडी को बहुत ज्यादा थकाना है या फिर ये करना है या फिर वो करना है, वो ठीक है आप एक लेवल पे पहुंच जाओ उसके बाद आप आराम से करो ना, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर रेस्ट के साथ आपको वैसे ही करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ब्रदर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल मार्केट में आपने दो चीज सुनी होगी, एक तो न्यूट्रास्यूटिकल होता है, एक फार्मास्यूटिकल, मींस फार्मा में जितने भी मेडिसिन जो होती है वो न्यूट्रास्यूटिकल में सप्लीमेंट्स आते हैं, तो लोग आज भी वे प्रोटीन को एज ए ड्रग कंसिडर करते हैं, वे प्रोटीन लेने से बहुत डरते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बेसिकली मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, पर जब भी मेरे पेरेंट्स देखते हैं तो वो ऐसी चीज बोलते हैं कि भाई तू कोई गलत चीज ले रहा है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब मैं भी इसी बेस से निकला था कि जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने एक्चुअली आफ्टर 12th स्टार्ट किया था, जब मैं कॉलेज में गया तो मैं 4 साल तक मैंने वे प्रोटीन वगैरह यूज नहीं किया था, बिकॉज ऑफ क्यों नहीं यूज किया था, मैं ये बोलता था, कोई मुझे पूछता था वे प्रोटीन लेना चाहिए, तेरी बॉडी अच्छी अडेप्टेड है, तो तू अगर सप्लीमेंटेशन थोड़े तो सप्लीमेंटेशन लेगा, और ये कोई गलत चीज नहीं, कोई ड्रग्स नहीं है, बट मैं उनको ये चीज बोलता था कि नहीं यार ये तो मैं नेचुरल लेना चाहता हूँ, मैं नेचुरल, जो अभी मुझे बंदे बोलते कि मैं नेचुरली करूंगा, जो करूंगा नेचुरली, वो एक होता है, एक फेज होता है। फिर मैंने स्टार्ट किया, और एक्चुअली आप कंटेंट्स पढ़ेंगे, वे प्रोटीन आपके मिल्क प्रोडक्ट से बनता है, तो वो कोई ड्रग नहीं है। हाँ एक्सेसिव आप कुछ भी लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑब्वियसली है, आप एक्सेस सोएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, आप सोएंगे ही नहीं तो आप उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है, अब ये तो हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस है ही है, आप अगर अपने लिमिट से ज्यादा खाएंगे खाना भी हेल्दी चीज तो भी उसके साइड इफेक्ट्स है, अब आप तो इसलिए ये कोई गलत चीज नहीं है आपके, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ वे प्रोटीन का भी एक सोर्स है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, या फिर कोई भी एक्सेस आप बॉडी को थका रहे हैं, या फिर बॉडी को आप एक लिमिट तक ले जा रहे हैं, एक्सट्रीम लिमिट तक ले जा रहे हैं, तो आप वे प्रोटीन कंज्यूम करिए, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बॉडी को नहीं थका रहे हैं, तो आप वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके डाइट से ही आपको प्रोटीन मिल जाएगा, बट वे प्रोटीन लेने का मेन मोटिव ये है कि आपका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, मींस वे प्रोटीन आपके डाइजेशन में ज्यादा जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब होता है अदर सोर्सेस के। पेरेंट्स की बात की तो मेरे पेरेंट्स ने, जब मैंने लेना चालू किया तो मेरे पेरेंट्स ने खुद ने बोला था ये सब क्या ले रहा है, ये स्टेरॉइड्स वगैरह क्या ले रहा है, ये सब मत ले, लेकिन ये मेरी मदर और फादर खुद लेते हैं अब ये तो नॉर्मल हो गया है, ये अब सबको पता पड़ गया ना कि दिस इज अब नॉर्मल सी चीज है, आप ये आपके डे टू डे लाइफ में आपको चाहिए, जब आप अपने बॉडी को इतना एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रहे हो तो आपको चाहिए, अब नहीं ले जा रहे हो तो आपकी डाइट से